गरीब को कोई कोई नहीं देखता, नहीं देखता तो गरीब को नहीं, हर कोई अपना सोचता है, हर कोई अपना सोचता है। मैं उस दिन काम कर रहा था तो मैं सिर्फ मेरे से थोड़ी सी गलती होगी तो उसने मुझे थप्पड़ मारे, पता नहीं हमारा कसूर क्या है, हम गरीबों का कसूर क्या है। मैं लेके जाऊंगा घर, घर लेके जाना है, घर लेके जाऊंगा, सिस्टर के साथ खाऊंगा। केला नहीं, मैं मेरे दिल नहीं करता केला खाने का। अस्सलाम वालेकुम, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फैरा फैज़। व्यूअर्स, संडे ब्रंच की एक नई एपिसोड के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं वसीम से, जिसे चुना है हमारी टीम ने। आज के हमारे वो खास मेहमान हैं, आइए बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आप ही क्या हाल है? मैं ठीक। वसीम, आप कैसे हो? ठीक ठाक। आप ही? अच्छा, सबसे पहले जो है ना, व्यूअर्स को बता दो कि आपकी एज कितनी है। मेरी 15 साल है उम्र। अच्छा, 15 साल की। और मुझे बताओ कि करते क्या हो? फिलहाल आप ही काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन काम मिल नहीं रहा। पहले फिलहाल उसका शादी हाल का काम करता था, बीच में गांव चला गया। मतलब दिहाड़ी पे काम करते हो? दिहाड़ी पे काम करते, दिहाड़ी मेरी 12,000 रुपये तनख्वाह थी पहले मेरी। अच्छा वसीम, मुझे ये बताओ कि ब्रंच की है? नहीं, ब्रंच नहीं किया अभी। ब्रंच पता है किसको कहते हैं? पता नहीं। अच्छा चलो, आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आज हम बात करेंगे वसीम से ब्रंच के ऊपर। मुझे बताओ खाना क्या है? खाना तो अभी मैंने फिलहाल सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। टेंशन नहीं लेनी आपने, हम आपके साथ मौजूद हैं और आज आप हमारे खास मेहमान हो। हम आज आपके साथ ब्रंच करेंगे। लम्हा न्यूज़ जो है उसकी रिवायत है कि वो हर संडे पे एक आम आदमी के साथ जो है वो बैठ के खाना खाता है। जो आप खाओगे वही मैं खाऊंगी। तो चलते हैं ब्रंच पे, और बाकी जो वसीम से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है, उसके घर पे कितने लोग हैं, क्या करते हैं, वो वहीं पर डिस्कस करेंगे। आ जाओ वसीम। जैसे वसीम ने कहा था कि उन्होंने फास्ट फूड खाना है ब्रंच में, तो हमारे खास मेहमान की जो फरमाइश है उसको हम टाल नहीं सकते, तो हम फौरन से पहुंच गए यहाँ पर। तो वसीम, मुझे बताओ, ये लो मेन्यू, डिसाइड करो। सारी जो बाकी बातें हैं वसीम की ज़िंदगी से रिलेटेड, वाकयात जो हैं, हालात जो हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम पहले ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा वसीम, बताओ कौन सा बर्गर खाना? वालेकुम अस्सलाम। बस एक सेकेंड, ये डिसाइड कर लें फिलहाल। ससुर, आप कोई सी मंगा दो, मैं डिसाइड करूं जी। अच्छा एक्सक्यूज मी, एक तो है ना वसीम के लिए, ये आप कर दें डीडी सिग्नेचर बर्गर। अच्छा मैम, चिकन और बीफ? चिकन के बीफ मैम, कुछ कुछ भी लगा लें। चिकन कर दो। चिकन मैम 100 ग्राम और 100 ग्राम। ठीक है, और साथ ना आप ये कर दें सिग्नेचर अनियन रिंग। ओके मैम, ठीक है। और इसके अलावा? नहीं बस, फिलहाल थैंक यू मैम। ऑर्डर पिक करी 1 सिग्नेचर 100 ग्राम चिकन एंड 1 अनियन रिंग। ठीक है मैम, 15-20 मिनट्स लगेगा। थैंक यू सो मच। चलो वसीम, ऑर्डर हो चुका है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आपसे रिलेटेड, क्योंकि आप हमारे मेहमान हो आज के। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप लाहौर से हो? जी मैं लाहौर से हूँ, पीछे मेरा गाँव है पाकपतन। तो घर में मुझे बताओ कि कौन कौन है आपके घर में? घर में मेरे पापा हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे बहन भाई हैं। तो मदर नहीं है? मदर नहीं, मदर की डेथ हो गई है। अच्छा मुझे ये बताओ कि लाहौर में आप जो है वो क्या करते हो? यहाँ पे कोई काम, स्पेसिफिक काम है कोई जो आप करते हो? फिलहाल तो पहले मैं करता था शादी हाल का, हाल का काम करता था, फिर बीच में मैं गाँव चला गया। गाँव के बाद अभी मैं आया हूँ, तो मुझे ना यहाँ से काम मेरा छूट गया। काम उनका क्यों छूट गया? गाँव चले गए थे इस वजह से छुट्टियां की नहीं? जी गाँव चला गया, वो 3-4 छुट्टी ऊपर हो गई थी। अच्छा, तो बॉस बुलाते रहे थे, नहीं आ सका, शादी थी तो इसलिए वैसे हो गया था थोड़ा दिन। शादी हॉल्स में काम करते हो? जी शादी हॉल्स में। तो काम शादी हॉल में आप क्या काम करते हो? वेटरी। आपके फादर क्या करता है? मेरे फादर फिलहाल बूढ़े आदमी हैं, वो कभी कभी समोसे पकौड़े लगा लेते हैं। अच्छा। एक दिन का 200-300 रुपये बस कर लेते हैं, अगर जिस दिन तबीयत ठीक हो तो कर लेते हैं, जब ना तबीयत ठीक हो। ज़्यादातर मेरे पापा की तबीयत ना थोड़ी डाउन रहती है। एक दिन का 100-200 रुपया कमाते हैं वो? जी। तो यानी घर का जो सारा खर्चा वगैरह है वो आप ही करते हो, क्योंकि आपके वालदा आपकी हयात नहीं है। जी। वालिद जो हैं वो आपके बीमार हैं, कभी अगर उनकी तबीयत बेहतर होती है
तो वो पकोड़े या समोसे की कोई रेडी लगा ले लगा ले। तो इस टाइम फिर घर की कैसी सूरत हाल है, क्योंकि आप भी जो है वो काम ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपकी नौकरी भी जो है वो भी चली गई है फिलहाल। आप ये है कि अगर मैं रात को मैं काम, मुझे 3 से 4 दिन हो गया काम ढूंढते हुए नहीं मिल रहा मुझे, तो मेरा एक दोस्त किस तरह का काम करना चाहोगे, मतलब जो लोग आपको देख रहे हैं अगर उनमें से कोई हमें कमेंट बॉक्स में रब्ता करता है और कहते हैं कि अच्छा चलो हम इस बच्चे से जो है वो हम इसे कोई काम दे देंगे, कहाँ पे काम करना चाहोगे? मैं शादी हाल का काम करना चाहता हूँ, तो वैसे मैं काम तो सीखा हूँ, दो काम सीखा हूँ मैं, नाई का भी, लेकिन वैसे नाई का काम नहीं होता। नहीं होता जी, नहीं होता, तो इसलिए मैं शादी हाल का काम करता हूँ। शादी हाल से ये है कि खाना खुना ही वहाँ से मिल जाता है, घर ले जाने के लिए भी मिल जाता है। जी ले जाने के लिए मिल जाता है, इसलिए फिर मतलब घर पर आके मेरा थोड़ा हो जाता, गुजारा हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बताओ कि वसीम पढ़ाई के बारे में कभी सोचा, पढ़ते थे पहले? पहले ना मैं छोटा सा था और मेरी वालदा तबीयत ख़राब रहती थी, छोटा सा था, इतना सा 5 से 6 साल का था, 5 से 6 साल का था, जो कि मैं मेरी वालदा ना बीमार रहती थी और मेरे वालिद साहब तब ठीक थे, तो मैं खुद भी थोड़ा बदतमीज़ था, तो नहीं पढ़ सका। पापा स्कूल छोड़ के आते थे, मैं भाग जाता था। लेकिन अब दिल करता है पढ़ने को? अभी दिल तो बहुत करता है, लेकिन मजबूरी है। अच्छा वसीम मुझे ये बताओ कि बड़े हो के क्या बनना चाहते हो? बड़े होके फिलहाल मेरा शौक था मैं फौजी बनूं, लेकिन बस शौक अधूरा रह गया। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आपका शौक जरूर पूरा होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि हर बच्चा जो है वो फौजी क्यों बनना चाहता है? बस जज्बा होता है, पाकिस्तान को बहुत बचाएं, जितना अच्छा हो सके पाकिस्तान को बिना वारदात के लिए हम ठीक करें, जो उल्टा काम होता है उसको हम ठीक करना चाहें, ये जज्बा होता है। वसीम अगर जो है जैसे आप फिलहाल आजकल नहीं कमा रहे हो, तो घर में खाना वगैरह किस तरह से होता है? फिलहाल ये है कि मैं ना ज़्यादा इधर जो मियाँ प्लाजा है ना, मियाँ प्लाजा इधर हाल में, मैं कभी को बारात आ जाए तो बारात से कोई दोस्त वगैरह हो तो पूछे थे यार बेटी का काम करना है तो वैसे कर लो, हमें एक दिन के लिए चाहिए लड़का नहीं हमारे, क्योंकि लड़का छुट्टी पिछले मैंने कल दिहाड़ी लगाई है, कल मेरे 300 रुपये दिहाड़ी लगी है, जिसमें से मैंने 300 घर दिया, अट्टा उट्टा लेकर आए, सुबह नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता करके और जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन फिर घर में किस तरह से होते हैं मामला? फिर अल्लाह वारिस है, अल्लाह कभी भूखा नहीं सोने देता। ये तो ठीक है सर, क्योंकि अल्लाह ताला वैसे भी कहते हैं कि आप मेहनत करो और मैं मेहनत करने वालों के साथ हूँ, यकीन है ना इस चीज़ के ऊपर? जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपके भी जो हालात हैं वो भी बदलेंगे। एक वक्त के खाने के पैसे नहीं है, एक वक्त के खाने की रोटी नहीं है इनके पास, इनके घरों में फाके हैं, अगर ये ना कमाएं तो पता नहीं इनके घर किस तरीके से चलेंगे। लेकिन वसीम जी, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि आपने जिस तरीके से आप बाहिम्मत हो ना, जिस तरह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैं हमेशा ये शो करती हूँ उसमें बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं, कुछ बच्चे जो है वो रो पड़ते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उनके ऊपर वो तमाम जिम्मेदारियाँ जब आती हैं ना जी, तो इंसान टूट जाता है जी। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना जी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ अभी खाने का जो है, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं, खाना जैसे आता है तो हम खाना भी खाएँगे, लोगों को कोई मैसेज देना चाहोगे जो आपको इस टाइम देख रहे हैं? जी फिलहाल तो अपने लोगों को बताने का फ़ायदा ही क्या है? क्यों कोई गरीब को कोई नहीं देखता कोई गरीब को नहीं, हर कोई अपना सोचता है। मैं उस दिन काम कर रहा था तो मैं सिर्फ मेरे से थोड़ी सी गलती होगी तो उसने मुझे थप्पड़ मारे, मैं तब से मैं उससे गुस्से हूँ कि पता नहीं हमारा कसूर क्या है, हम गरीबों का कसूर क्या है, इतना हमारे से क्यों करते हैं, हम इनके लिए इतना अच्छा सोचते हैं, हम इनका हर काम करते हैं, हर काम मतलब किसी काम में कभी बेईमानी नहीं की, अगर जिस तरह करेंगे तो हम इनके साथ करेंगे, हम फिर भी नहीं करते, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं हमसे बड़े हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आपका बर्गर जो है ना वो भी आ चुका है, तो अब हम खाना खाएँगे, आपका फेवरेट ब्रंच जो है वो हम करेंगे आपके साथ जी, ये यहाँ पर सोचेंगे। थैंक यू सो मच।
अब आपने अपना ब्रंच इंजॉय करना है, ठीक है, और बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम हैं ना आपके साथ। जैसे हम आपके पास चल के आए हैं ना, इस तरह बहुत से लोग आपके इस वीडियो को देख के आपके पास आएंगे। तो वसीम, अब परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, अपना ब्रंच स्टार्ट करो, ठीक है। मैं लेके जाऊंगा घर, घर लेके जाना है, घर लेके जाऊंगा, भाइयों जाऊंगा, सिस्टर के साथ खाऊंगा। केला नहीं, मैं मेरे दिल नहीं करता केला खाने का। थोड़ा सा तो खा लो। अच्छा चलो, बर्गर अपना जो है ना आप वो घर ले जाना, ये खा लो, अनियन रिंग्स खा लो। बहुत बड़ी बात है, छोटा सा बच्चा है लेकिन इसके जो जज्बा है ना अपने घर वालों के लिए, इसका जो प्यार है कि अगर मैं खा लूंगा तो मेरे घर वाले क्या खाएंगे। खाओ, ये मैं भी आपके साथ खाती हूँ। कैसा है? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू आपका कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। आप जैसे बच्चे जो है ना, वो इस मुल्क का फ्यूचर है, आप लोगों की वजह से ही ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है वो बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। कुछ कहना चाहोगे मज़ीद, कुछ खाना है? और नहीं नहीं, थैंक यू, बस मुझे ये चाहिए था जो आपने कह दिया। इंशाल्लाह मैं घर जाऊँगा तो मैं बताऊँगा तो मेरे घर वाले खुश होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके जो वालिद हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी जो काविश है वो पसंद आई होगी। 15 साल वसीम, उसकी ज़िंदगी में जो जो मुश्किल हैं वो आपने जानी। अगर आपके भी इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान मौजूद है, कोई बच्चा है, कोई खातून है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम हर इतवार को ये कोशिश करते हैं कि इन्हीं जैसे ख़ास लोगों के साथ हम बैठें, उनके साथ बातें करें और उनकी पसंद का हम ब्रंच करें। देखते रहिए लम्हा ने।